बहुत से मकामात पर अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। एक मकाम पर फरमाया अनिश्कुर ली वाले वालिदैक कि ऐ इंसान तू मेरा शुक्र भी कर और अपने माँ बाप का शुक्र भी अदा कर। अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म और अपना शुक्र अदा करने के साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उन्हें उनकी खिदमत का मौका मिलता है, और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं और वो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं या माँ बाप का दिल दुखाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नज़दीक नज़दीक हो जाओ, सारा दिन में बयान करता। हुज़ूर ने मिंबर की एक सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज जो आपने कहा है इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आमीन का माना क्या है? कबूल कर या ऐसा ही हो। क्योंकि जब कोई दुआ मांगता है तो जो सुनने वाले क्या कहते हैं? आमीन। इसका मतलब है कि जो कुछ तू कह रहा है अल्लाह उसको कबूल करे या ऐसा ही हो। तो मतलब यह है कि आमीन किसी दुआ के जवाब में होता है। वहाँ बज़ाहिर दुआ करने वाला कोई नहीं था, तो सहाबा हैरान होकर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया या कभी नहीं कहा? तो आपने फरमाया जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सके तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो, तो मैंने कहा आमीन। अब खुद सोचें, जिब्रील दुआ करने वाले हों, मुस्तफ़ा करीम आमीन कहने वाले हों, उसकी कबूलियत में कोई शक हो सकता है? वो तो जिसका जौबन बहार कबूल, वो तो जिसका जौबन बहार कबूल, उस नसीमे इजाबत पहला। तो इसलिए अगर माँ बाप बूढ़े हों आदमी की ज़िंदगी में तो उनकी खिदमत को गनीमत समझना चाहिए, अपनी सआदत समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, और उनको बोझ हरगिज़ हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुक, तेरे रब ने हुक्म दिया है, अल्ला ताबुदू इल्ला इया, कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, वा बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंद कल के बारा अहदुहुमा औकिलाहुमा, ए इंसान तेरी ज़िंदगी में
तेरे माँ बाप दोनों या एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, उन्हें उफ तक नहीं कहना। उफ ना कहने का मतलब है कि कोई ऐसी बात ना करना जिससे उनकी दिल आजारी हो, जिससे उनको तकलीफ हो। वला तन हर हुमा, और उन्हें झिड़कना भी नहीं। आप सारे जानते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह मामूली बात को बड़ी बात समझता है, तो बाज़ औक़ात बच्चे भी चिड़ खा जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया है वला तन हर हुमा, उन्हें झिड़कना नहीं। वक़ुल्लाहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ ताज़ीम से गुफ्तगू करनी। बाज़ औक़ात इख्तलाफ़ राय तो हो सकता है, मगर राय का इजहार करने में या इख्तलाफ़ करने में अदब का पहलू हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एहतराम बहरहाल बाकी रहे। वक़ुल्लाहुमा कौलन करीमा, और इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनको, उनसे गुफ्तगू करो। और आगे कुरान के अल्फाज देखें, वख़्फ़िद लाहुमा जनाहज़ुल्ले मिन रहमा, अपने रहमत वाले बाजू नरमी से उनके लिए फैला दीजिए। सरापा जी बन जाइए, सरापा इनके सारी बन जाइए, और ये सब कुछ करके भी हक नहीं अदा हो सकता, तो अल्लाह से दुआ मांगो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, अल्लाह से अर्ज़ करो ऐ मेरे पालने वाले, मेरे माँ बाप पर रहम कर जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। अब कुरान हकीम के अल्फाज आपने सुन लिए कि कुरान किस अंदाज से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का और उनके साथ एहतराम करने का हुक्म देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है, और औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके खामंद का है। मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसके माँ का है, और औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके खामंद का है। तो माँ दर्जे के लिहाज में तो उलमा फरमाते हैं बाप का दर्जा ज़्यादा है, मगर खिदमत माँ की ज़्यादा करनी पड़ती है। खिदमत, क्योंकि एक बंदे ने हुज़ूर से पूछा मन अहक को बेहुस्न सहाबती, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया उम्मों का, तेरी माँ। अर्ज़ किया सुम्मा मन, फिर कौन? फरमाया सुम्मा उम्मों का, फिर तेरी माँ। फिर अर्ज़ किया सुम्मा मन, फिर फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा आपने बाप का ज़िक्र किया है। तो ये खिदमत इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि औलाद की तरबियत या परवरिश के सिलसिले में जितनी मशक्क़त माँ उठाती है, बाप उतनी मशक्क़त हमालत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन, कि उसकी माँ ने उसे अपने पेट में रखा, कमज़ोरी पर कमज़ोरी के बावजूद, मशक्क़त पर मशक्क़त के बावजूद, और उसे 2 साल दूध पिलाया। तो इस वजह से माँ की खिदमत बाप से ज़्यादा है, मगर एहतराम बाप का माँ से ज़्यादा। ये नहीं कि किसी की बेहुरमती नहीं कर सकता ना, ये कमी बेश में यह ना कि एक की बेइज्जती हो। और ये भी याद रखिए बीवी का अपना हक है, माँ का अपना हक है। बीवी की वजह से माँ की नाफरमानी जायज़ नहीं,
और माँ की वजह से बीवी पर ज्यादती करना जायज़ नहीं, क्योंकि असल बात तो है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह का हक है, शरीयत का हक है, ला ताअत अल मखलूक फी मासियत अल खालिक। यार थोड़ा सा गर्म पानी करके ले। ला ताअत अल मखलूक फी मासियत अल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि किसी पर बीवी हो या कोई थर्ड पर्सन भी हो उस पर ज्यादती तो जायज़ है। तो माँ की वजह से बीवी पर ज्यादती करना जायज़ नहीं है। माँ को माँ का दर्जा दो, बीवी को बीवी का दर्जा दो, हर बंदे को जो उसका हक बनता है वो दो, तो फिर बात बनती है। एक समत झुक जाना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है अमूमन, कहीं तो सब कुछ ही बीवी को समझा जाता है और कहीं बीवी को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये दोनों बातें, एक में इफरात है एक में तफरीत है। इस्लाम जो है इफरात और तफरीत से पाक इतदार और मियाना रवि का हुक्म देता है। बीवी को जो उसके हकूक शरीयत ने मुकरर किए हैं वो अदा करो। देखो हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम सब में से अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। व आना खैरुकुम ले अहली, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। तो इसलिए माँ बाप को माँ बाप के दर्जे में रखना चाहिए, बीवी या जो भी भाई बहन हैं उनको उनके दर्जे में रखना चाहिए। तो बहरहाल जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको उनकी खिदमत को गनीमत समझना चाहिए। और देखिए ना, माँ बाप की खिदमत का फ़ायदा दुनिया में भी होता है, आखिर में तो होना ही होना है इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत ऐसी चीज़ है कि आखिर से पहले दुनिया में भी ज़रूर बदला मिलता है। और माँ बाप की नाफरमानी ऐसा जुर्म है कि आखिर से पहले दुनिया में भी इसकी सज़ा मिलती है। ये याद रखिए, माँ बाप को दुख देने वाला कभी सुख नहीं पा सकता, माँ बाप को दुख देने वाला सुख नहीं पा सकता। एक बंदे ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मा हक्कुल वालिदैन, माँ बाप का क्या हक है? फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारुक, वो तेरी जन्नत भी है तेरी दोजख भी, तेरी जन्नत भी है दोजख भी है। यानी अगर तू उनकी खिदमत करेगा, उनकी फरमा बरदारी करेगा, तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब और ज़रिया बनेंगे। अगर उनकी नाफरमानी करेगा, उनका दिल दुखाएगा और तेरे लिए वो जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन यन्ज़ुरु इला वालिदैहि नज़रा रहमतिन कुतिबत लहू हज्जतुन मबरूरा। दो बातें यहाँ हैं कि जो फरमा बरदार औलाद, पहली बात है कि फरमा बरदार हो, फिर वो मोहब्बत प्यार से अपने माँ बाप को एक मर्तबा देखे। जो औलाद फरमा बरदार भी हो, प्यार और मोहब्बत से एक मर्तबा देखे, तो अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब देता है। कोतेबत लहू हज्जतुन मबरूरा, मकबूल हज का सवाब मिलता है। आज हज कितने पैसे लगते हैं? उनते बहुत सारे होंगे मेरे ख्याल। हज में कितने पैसे लगते हैं और फिर मशक्क़त कितनी, मना अरफात वगैरह वगैरह, और फिर भी अल्लाह के घर से उम्मीद होती है कि अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है। यकीन नहीं होता, यकीन तो बंदा कोई नहीं सह सकता।
हाँ अल्लाह के घर में उम्मीद है कि अल्लाह ने उसका कबूल हर बंदे को। और वैसे पहले मैंने अर्ज़ किया उलमा ने मकबूल हज की एक ज़ाहरी निशानी लिखी है, ज़ाहरी, हकीकी तो अल्लाह ही जानता है ना, कि हज से वापस आने के बाद वो गुनाहों को छोड़ दे, नेकियां पहले से ज़्यादा करे, ये इस बात की निशानी है कि उसका हक हज कबूल है उसका हज। और अगर वो पहले से ज़्यादा गुनाह पर दलेर हो जाए और नेकियां कम कर दे तो समझो काम गड़बड़ है। वैसे हकीकत तो फिर भी अल्लाह ही जानता है, ये ज़ारी निशानी समझ दिल को भी कबूल लगती है, क्योंकि हज में बंदा जब करता है ना अल्लाह की रज़ा के लिए। अब हज बंदा जब अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हदीस में आता है कि गुनाहों से ऐसे पाक बन हज्जा लिल्लाह वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन वला दत हो मुहु, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और दौरान हज कोई नाफरमानी नहीं की, गुनाह का काम नहीं किया, तो वो गुनाहों से ऐसे वापस होता है जैसे वहाँ के पेड़ से आज ही पैदा हुआ है। तो ये बड़ी सआदत है, बड़ी सआदत है, तो मगर उसमें मुशक्क़त कितनी लगती है, पैसा कितना लगता है। और ये क्या है कि फर्मा बरदारी ज़रूरी है, औलाद फर्मा बरदार हो, एक मर्तबा प्यार से मोहब्बत से शफकत से माँ बाप को देख ले, एक मकबूल हज का सवाब ले। सस्ता सौदा का महंगा भी खुला है ए उनके लिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुला है फैज का जीवन में ले। ये सौदे खुला है फैज का नहाले जिसे कजी चाहे, ये सौदे है मुहद्दर के अजमाले, सौदे हैं मुकद्दर के, सौदे हैं मुकद्दर के अजमाले जिसे कजी चाहे। एक बंदे ने अपनी माँ को कंधों पे उठा के सात हज कराए, तवाफ, साई, अरफात, मुजदलफा। उसके दिल में ख्याल आया कि अब मैंने माँ का हक अदा कर दिया है। रात को सोया, हातफ़ गैबी, हातफ़ कहते हैं कि आवाज़ आए और आवाज़ वाला नज़र, आवाज़ सुनाई दे मगर आवाज़ देने वाला, हातफ़ गैबी से आवाज़ आई कि तू बच्चा था, तूने बिस्तर पर पेशाब कर दिया, तेरी माँ ने बिस्तर धोया, गरीबी की वजह से कोई दूसरा बिस्तर नहीं था, तेरी माँ खुद गीली जगह पे लेटी, तुझे अपने सीने पे लिटाया, आज तक तू इस एक रात का हक भी अदा नहीं कर सका। आज तक तू एक तो कोई माँ बाप का हक अदा कर सकता? वैसे बुजुर्गों ने एक सौखा तरीका लिया, सौखा, कि गोया उसने माँ बाप का हक अदा कर दिया, जो हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करता है गोया उसने माँ बाप का हक अदा कर दिया। देखो नमाज में तो हम पढ़ते ही है ना, क्या रब्बी जालनी, अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, रब्बी जालनी मुकीमत सलात का माना क्या है, अल्लाह मुझे
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ, اے میرے پالنے والے مجھے بھی بخش لے, میرے ماں باپ کو بھی بخش لے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے مومنوں کو, یوم یقوم الحساب قیامت کے دن. تو یہ تو پڑھتے ہی ہیں مگر بہتر ہے کہ بعد میں الگ بھی دعا کریں. جب سے میں نے پڑھا ہے میرے علم میں نہیں کہ میں نے کبھی ماں باپ کے لیے دعا کو نماز کے بعد چھوڑا. اور کوئی رہ جائے نا, اللہم اغفر لنا ولوالدینا واساتذینا ومشائخنا وجمیع المومنین والمومنات, کوشش کرتا ہوں کہ یہ نہ رہے. تو حضور نے فرمایا جو ماں باپ کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, وَإِن نَظَرَ مِئَاتَ مَرَّةٍ, جے سو باری ویکھے. فرمایا اللہ اتجاب و اکبر, یعنی اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی نہیں, تم دیکھتے جاؤ اللہ ثواب دیتا جائے گا. کھلا ہے یہ سودے ہیں مقدر کے, آزمالے جس کا جی چاہے. ایک آدمی رات عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. ماں باپ اگر خوش ہیں تو پھر رب بھی خوش ہوگا. حضور نے فرمایا سخت اللہ فی سخت الوالدین و رضا اللہ فی رضا الوالدین, اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھے ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ آپ کا رزق بھی وسیع کرے گا, عمر میں بھی برکت دے گا. ماں, حدیث کے لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے مگر فہم یقیناً یہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کا رزق بھی وسیع کرتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے. عمر بڑھتی تو نہیں, بڑھنے کا معنی ہے کہ اس میں برکت دیتا ہے اور تھوڑے وقت میں اس سے بہت نیکی کا کام لے لیتا ہے. تو اس لیے والدین کی خدمت غنیمت سمجھنا چاہیے. اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, بعض اوقات ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے مگر ممکن ہے کہ والدین اس حالت میں فوت ہوں کہ وہ اس پر ناراض ہوں. والدین اس حالت میں فوت ہوں کہ وہ اپنی اولاد پر, اور اس کا طریقہ بھی میرے آقا نے بتا, کیونکہ رب تو بندوں کو بخشنے کا ارادہ ہی فرماتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں فوت ہو جائیں وہ لگاتار مسلسل ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے تو اس کا نام نافرمانوں کی فرشت سے کاٹ کر فرما برداروں کی فرشت میں لکھ دیتا ہے. کھلا ہے لیکن ماں باپ کی ایسی بات ماننا جائز نہیں ہے جس سے اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, سب سے پہلے اللہ رسول کا حق ہے, اس کے بعد سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافرہ تھی, آپ مسلمان ہو گئے,
माँ ने कहा तूने माँ बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, तू वापस अपने दीन में आ जा। हजरत साद ने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम से अलग नहीं होऊंगा। माँ कहने लगी तो अगर दीन में वापस ना आया, मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना साए में बैठूंगी, भूखी प्यासी तेरे सर चढ़कर मर जाऊंगी, और लोग कहेंगे ये माँ का कातिल है, लोग तुझे ताने दिया करेंगे कि ये माँ का। और उसने ये कहा और खाना पीना, खाने पिए बगैर कब तक गुजारा होता है। बल्कि हदीस बुखारी शरीफ क्या है कि बाज़ लोग मुंह में उसकी लकड़ी डालकर ना उसके मुंह में ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल देते, मगर वो कितनी के अंदर जा सकती थी। जब माँ की हालत गैर हुई, आप अपनी माँ के पास गए, आपने फरमाया माँ तू 100 मरतबा मरे, 100 मरतबा जिए, तुझे बार बार नई ज़िंदगी मिले, मैंने रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ना है, चाहे खा तो चाहे ना खा, चाहे खा चाहे क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से पाला, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से पाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है, दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। तो आखिर उनकी माँ ने देखा कि एक गल नहीं बनती, तो उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा, कि ऐ इंसान अगर तेरे माँ बाप तुझ पर दबाव डालें कि तू शिर्क करे तो उनकी बात मत मान, लेकिन वह साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, चाहे तेरे माँ बाप मुशरक हैं, शिरक वाली बात नहीं माननी, मगर उनसे दुनिया में सलूक अच्छा करना है। खुदा की नज़र में शिरक सबसे बड़ा जुल्म जुर्म है, शिरक हर गुनाह की बख्शिश है, कुफर और शिरक की बख्शिश इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिरक को नहीं बख्शेगा, उसके अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्मा मातू वहुम कुफ़ारुन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम, यानी काफिर की और मुशरिक की बख्शिश। अब देखिए, हो सकता है माँ बाप में कोई ख़राबी हो, माँ बाप गुनाहगार हो, मगर वो उनका रब का मामला है, तेरे माँ बाप है। अगर वो गुनाहगार हैं या अच्छे नहीं हैं तो रब का और उनका मामला है, रब पूछेगा, मगर तुझ पर लाजम है कि उनसे अच्छा सलूक करे, इसलिए कि जब शिर्क के बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, और बड़े से बड़ा भी बिलफजल अयाज को जुर्म करे तो शिर्क से तो कम ही होगा ना, तो इसलिए माँ बाप जैसे भी हों, हाँ इसको नाफरमानी का हुक्म ना दे, खुद करते रहे मगर ये उनके साथ अच्छा सलूक करे। बल्कि उलमा ने लिखा है अगर काफ बाप मुशरिक है ना, वो कहता है मुझे बुतखाना बचा दो, तो ये जायज़ नहीं है कि उसे बुतखाना बचाए, मगर कहे कि बुतखाने से मुझे घर ले जाओ तो उसके लिए जायज़ है कि घर पहुँचा दे, इआनत अलल कुफर जायज़। तो दुआ है कि अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक दे।
اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں مسلسل یا کم از کم ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا